सब्सक्राइब कीजिए उमा ब्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। यह ट्रेन का रश भीड़ था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। ये गैलोपिंग ट्रेन है, मैं लोकल ट्रेन की बात कर रही हूँ, मतलब ये हर स्टेशन पे नहीं रुकता है, कुछ लिमिटेड स्टेशन पे ये रुकेगा, फिर ये डायरेक्टली हावड़ा जाएगा। मुझे 45 मिनट लगेगा हावड़ा जाने में, तो मैं अभी खड़ी हूँ, मुझे बैठने का जगह नहीं मिला। लोकल ट्रेन में बैठने का जगह बहुत मुश्किल से मिलता है गाइस, बहुत मुश्किल से मिलता है। जो लोग ट्रैवल करते हैं उन लोग को ये शायद पता होगा, लोकल ट्रेन के बारे में बहुत किसी को पता है और बहुत किसी ने इससे ट्रैवल भी किया है। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो ऐसे ये लोग डेली पैसेंजर ही करते हैं, और तो मैंने ही आपके साथ आज थोड़ा बहुत शेयर किया है, ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है इसकी वजह से, और इतना पॉसिबल भी नहीं होता है कि मैं हर एक चीज़ को कवर कर सकूँ, तो थोड़ा बहुत किया है। तो यही एक, ये भी एक लाइफ होता है गाइस, एक सिंपल है लड़की का, सुबह उठ के वो लोग स्कूल, बहुत कुछ करना पड़ता है, घर का काम और फिर यहाँ पे जर्नी और फिर जाके घर और फिर घर का काम। मैं स्पेशली लड़कियों को डेडिकेट कर रही है क्योंकि लड़के लोग इतना नहीं होता है कि घर का काम संभालो, बच्चे संभालो और फिर जाके सब ऑफिस पर, ऐसा वो लोग नहीं करते, पर ये लोग करते हैं। तो हैट्स ऑफ टू हर वुमेन जो ऐसे करते हैं, ये सब इतना कुछ ट्रैवल कर खड़ा होके एकदम 40 मिनट्स तक खड़ा होके फिर जाना, हैट्स ऑफ टू देम। तो वैसे मैं भी कुछ काम ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं ये सबसे बकवास करती हूँ, ठीक है। तो फिर ज़्यादा बात नहीं करूँगी और फिर मैं जाऊँगी अभी हावड़ा, जैसे मैं बताया है, मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कुछ सुना होगा, इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, जैसे मैंने हेडफोन लगा लिया है, शायद आप कुछ थोड़ा बहुत सुनाई दे। तो ठीक है, हावड़ा चल के ब्लॉगिंग करती हूँ, देखती हूँ कितना मैं कर सकती हूँ। बाय। ट्रेन अभी हावड़ा स्टेशन में एंटर कर रहा है। हाय गाइस, तो अब शायद आप देख सकते हैं कितना ज्यादा रश है अभी यहाँ पे, सो शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ। मेरी मम्मी भी मेरे साथ है, अब मम्मी पता नहीं कहाँ है, मम्मी को मुझे ढूंढना पड़ेगा, आई डोंट नो व्हेयर मम्मी, पता नहीं मम्मी कहाँ है मेरा, तो चलो ढूंढ लेते हैं मम्मी को। बाय। तो गाइस मैं अभी जहाँ पे सब वेट करते हैं मैं वहाँ पे जा रही हूँ, फिर वहाँ पे बैठना है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। तो मैं अभी बैठने जा रही हूँ, सॉरी। अच्छा, पता नहीं बैठने का जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे बैठने का जगह। तो अभी ये शायद मैं को दिखा पा रही है फूड प्लाजा और कुछ दुकान, सो ये है। तो राइट लेते हम यही है, वो साइन करना था तो वो साइन करके फिर आ जाएगी। चलो, जब मैं थोड़ा बहुत मैं बोर हो जाऊँगी यहाँ पर, तो आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लो। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा? मुझे ब्लॉगिंग का मैंने पहले बताया था, उतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो अगर आप भी मुझे कुछ बताना चाहते हो कि ब्लॉगिंग में क्या मुझे प्रॉब्लम हुआ है या कुछ और मैं इम्प्रूव करूँ मेरे ब्लॉग में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं वो करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ बताइएगा मुझे कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, सब कोई बोल देंगे कि अच्छा अच्छा नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे क्रिटिसिज्म भी सुनना है, तो प्लीज़ आप क्रिटिसाइज भी करो डियर। अगर मुझे आप सच में प्यार करते तो मुझे लिखो कि क्या गलती है मेरी ब्लॉग के अंदर, मुझे बहुत बताती है कि ऐसा करो, ये आपका ठीक नहीं, वो आपका ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि मुझे वो चेंज करने का मौका मिलता है। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे वो चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा गाइस। सो प्लीज़ मुझे आप बताओ कि क्या मुझे मेरे ब्लॉग में चेंज करना पड़ेगा या कुछ और, मैंने कुछ और इम्प्रूव मैं कर सकूँ मेरी ब्लॉग में। मेरी वीडियो मैं बहुत ही जल्द DIY वीडियो बनाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, और बहुत सरप्राइजेस भी है जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरा हाथ बहुत चलता है ऐसा मैं बहुत करती हूँ। हावड़ा में ऐसी ब्लॉगिंग अलाउड है क्योंकि मैं बहुत डर रही थी ब्लॉगिंग करने में कि वो मुझे पकड़ना ले, उसे लगा कि नहीं अलाउड तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो पब्लिक प्लेस है, मतलब मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही ना, मतलब कुछ गलत काम तो नहीं कर रही ना, ब्लॉगिंग ही कर रही। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि कैसा लगा ब्लॉग, मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत सिंपल सी ब्लॉग है गाइस, मैंने पहले ही बताया था मेरी लाइफ में उतना एक्साइटिंग कुछ नहीं होता है, डेली लाइफ जो है मेरा, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, शायद किसी किसी को बोर भी लगा होगा, सो आई एम सो सॉरी। तो कोशिश कर रही हूँ इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन मैं जो हूँ उसे तो चेंज नहीं कर सकती। कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, अगर यूजफुल लगे आपको ये वीडियो
और मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक में, सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो, और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको, और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को अगर और किसी वीडियो आप देखना चाहते हो तो, थोड़ा बहुत ब्लॉग आप देखना चाहते हो तो, एक्चुअली सब मुझे अभी देख रहे हैं तो पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर, मैं भी शर्मा रही थी थोड़ा सा, मुझे भी अजीब लगा, पता नहीं क्या करूँगी, फिर नहीं आप लोगों को थोड़ा मुझे दिखाना भी आ रहा है, मैं ज़्यादा शर्माऊंगी ज़्यादा लोग कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगे। बस मुझे मिल गया है और मैं जा रही हूँ हावड़ा ब्रिज के अंदर से, और सामने शायद आप देख पा रहे गंगा है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद कलकत्ता सिटी चालू होती है। बड़ा बाज़ार के ऊपर से होके ये बस जाएगा, तो ये है बड़ा बाज़ार, इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, इसीलिए इसका नाम बड़ा बाज़ार है। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं बड़ा बाज़ार की ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।